वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ओके सिट डाउन। पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा बिजनेस हैं। बिजनेसमैन। क्या नाम है पापा का? मिस्टर सरताज। ये बताइए सब्जेक्ट आपका फेवरेट कौन सा है? सर सभी बेहतर है मेरे तो, लेकिन साइंस बेहतर। साइंस सबसे अच्छी लगती है आपको? बाकी कोई सब्जेक्ट से डर लगता है किसी से? नहीं सर। किसी से नहीं? चलिए तो फिर किसी में भी पूछ ले। जी सर। आप ये बताइए ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? सर थ्री पार्ट्स। कौन कौन से? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला। डॉक्टर वहाँ पार्ट्स कौन? सेरेब्रम। सेरेब्रम। अच्छा ये बताइए हमें अगर प्रोटीन चाहिए तो कौन सा फूड हम लेंगे? सर प्रोटीन एग, मिल्क, पल्सेस, मीट। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? सर एनर्जी गिविंग फूड रोटी है, मीट है, राइस है, पोटैटो। सही सही। अच्छा हवा की आपको पता है कई लेयर्स होती हैं? तो सबसे पहली लेयर का क्या नाम है? ट्रोपोस्फियर। एरोप्लेन किस लेयर पर उड़ता है? स्ट्रेटोस्फियर। हवा में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है हवा में? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होती है? 0.03%। अच्छा चलिए बताइए सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो 40 है। कितना है? 40। तो उसकी एक साइड कितनी डिग्री, एक साइड कितनी लंबी होगी? सर 10। अच्छा कैसे निकाला आपने? सर 4 से डिवाइड करिए। वेरी अच्छा। ये बताइए इस कमरे में कितनी हवा है तो आप क्या निकालें? सर कमरे का वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम निकालें। अच्छा ये बताइए 2D फिगर क्या होती है? सर जिसमें सिर्फ लंबाई या चौड़ाई। अच्छा जैसे एग्जांपल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है। अच्छा ये बताइए आपकी कितनी तरह की किस्में पाई जाती हैं? सर चार तरह की किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कोबरा, धुबोया, करैत। अच्छा ये बताइए एवरेस्ट पर सबसे ऊंची चोटी है उस पर सबसे पहले कौन गया था? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल गई। संज्ञा के भेद बताए कितने होते? सर पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, धातुवाचक, समूहवाचक। ठीक। अच्छा समूहवाचक संज्ञा के कुछ एग्जांपल्स बताइए। जैसे कि सर क्लास है, आर्मी है। अच्छा राजू एक अच्छा लड़का है इसमें विशेषण क्या है? सर अच्छा। अच्छा फ्लावर के झुंड को क्या बोलते हैं? बायोट्यूब। लॉयन का ग्रुप क्या होता है? लॉयन का प्राइड। प्राइड ये प्राइड। प्राइड। अच्छा प्राइड बोलते हैं। हिंदुस्तान की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। अच्छा हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम? नरेंद्र मोदी जी। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल। प्राइम मिनिस्टर को उर्दू में क्या बोलते हैं? वजीर आजम। अच्छा आपका फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। सलमान खान। अच्छा कौन सी फेवरेट फिल्म है सलमान खान की? टाइगर जिंदा है। अरे सही बढ़िया है। अच्छा हीरोइन कौन सी फेवरेट है? माधुरी दीक्षित। अरे बड़े पुरानी। अच्छा सर ये बताए हमारे आखिरी नबी का क्या नाम? हुजूर के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। और हुजूर के चाचा का क्या नाम था? अबू तालिब। और हमारी एएमयू का पुराना नाम क्या था? मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। और ये एएमयू का पढ़ा 1920। एक नज़म है आपके किताब में उर्दू की नन्ही पुजारन उसके शायर कौन है? इसरारुल हक मिजार। ठीक है वेरी गुड। अच्छा नया शिवाला नाम की एक नज़म है वो किसने लिखी है? साबका और लाहका आपने वर्ड सुना है कभी? अच्छा किसे कहते हैं साबका? सर साबका वो जो पहले लगे। और लाहका जो बाद में। फाइल किसे कहते हैं? फाइल सर जो काम करता है। जो काम करता है। टाकिया खत लाया इसमें फाइल क्या है? सर डाकिया। थ्री डी फिगर क्या होती है? सर थ्री डी फिगर होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आ जाती है। तीनों चीजें आ जाती है। एग्जांपल दीजिए थ्री डी फिगर की। जैसे सर सिलेंडर क्यूब है, क्यूबॉइड है। अच्छा अच्छा क्यूब ये रूम जो है किस शक्ल का है?
क्यूबॉइड है या क्यूब है? क्यूबॉइड। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इनटू वी इनटू एच। और अगर मैं क्यूब का पूछूं वॉल्यूम, तो उसका फॉर्मूला? साइड इनटू साइड इनटू साइड इनटू साइड। अच्छा, तीन बार इसको मल्टीप्लाई करना है। नाम के करेक्ट बताइए। सर, प्रॉपर नाम, कॉमन नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाम, मटेरियल नाम, कलेक्टिव नाम। ये पेन जो है ये किस शक्ल का है? सर, ये पेन सिलेंडर। सिलेंडर, वेरी गुड। हुजूर के दादा का क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, कैसे कहते हैं डायमीटर? सर, सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर। वेरी गुड, शाबाश। तो डायमीटर है किसी सर्किल का 8, तो उसका रेडियस कितना होगा? सर, 4। एक सर्किल के कितने डिग्री का होता है एक सर्किल? सर, 360। और अगर एक ट्रायंगल की बात करें तो एंगल का सम कितना होता है उसका? 180। एक स्क्वायर के चारों एंगल का सम? 360। एक स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? सर, 90। और रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का भी 90। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? सर, 60। 60 डिग्री का होता है। एंगल के कारण को बताइए। इन द सेंटर ऑफ अवर नेशनल फ्लैग इज अ व्हील कॉल्ड द अशोका चक्र। दिस चक्र वॉज इंक्लूडेड टू ऑनर द ग्रेट किंग अशोका एंड टू हेल्प The Indians to remember his teachings. Ashoka was born about 2,500 years ago in a rich kingdom. एक पेड़ पर बहुत सारे परिंदे बैठे हुए अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे। एक कौवा भी उनके बीच आकर बैठ गया। उनकी तारीफ सुनकर कौवे से भी ना रहा गया, उसने भी अपनी तारीफ करनी शुरू की। वो कहने लगा, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मेरे पर कितने चमकीले हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे जवाब दिए। बस आपको जैसे हमने बताया है, मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दीजिए, घबरा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी घबरा जाती है। ठीक है, सब आती है, अच्छे तरीके से आता है, आपको सब कुछ याद है। वेरी गुड, अच्छा इंटरव्यू दिया है आपने। अब आप जा सकते हैं। बच्चे अच्छे तरीके से वहाँ पर इंटरव्यू को फेस कर पाते हैं और इंटरव्यू अच्छे तरीके से दे पाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं हमेशा इंटरव्यू की तैयारी जरूर करवाइए। विदाउट तैयारी बड़े मुश्किल हो जाता है इंटरव्यू देना, क्योंकि पहली बार जब इंटरव्यू देने जाते हैं बच्चे तो बहुत होपलेस हो जाते हैं और ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाते। तो इस बच्ची ने कई राउंड के इंटरव्यू के बाद आज ये अच्छा इंटरव्यू दिया है और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा इंटरव्यू होगा। इंशाल्लाह इनका सिलेक्शन और इंटरव्यू में भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।